हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ECS पेन T10 की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है कटालुना रेड वर्सेस पाकाई केर के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आज से शारजा 100 लीग शुरू हो रही है, उसको कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहां से आपको मिल जाएंगे लेजेंड लीग T20 के वीडियोस मिल जाएंगे, और भी कई सारे टूर्नामेंट्स चल रही है, सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 1:15 पर मॉन्टजुइस ओलंपिक ग्राउंड बार्सिलोना स्पेन में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर बैलेंस पिच है, हालांकि रन यहाँ पर अच्छे खासे बन जाते हैं, 90 से 110 रन के आसपास यहाँ से आपको आराम से स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है, PIC अगर पहले बैटिंग करवाएगी, वन ऑफ द बेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट की, सबसे मजबूत टीम है, अगर ये पहले बैटिंग करवाएगी तो हो सकता है यहाँ पर 120-130 प्लस भी बना सकती है या फिर इससे भी ज़्यादा बना सकती है। एवरेज मैंने 90 से 110 मेंशन किया हुआ है। CRD की बात करते हैं तो CRD ने अभी तक 10 मैचेस के लिए, जिसमें से 2 मैच वो जीती है, 8 मैच वो हारी है। ओपनिंग में कौन है, तो अफाक शाह और अली हसन ने ओपनिंग करवाया। अभी देखो यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन कर दो आपको कि यहाँ पर पिछली 6 मैच के परफॉर्मेंस ऐड है, इसके अलावा यहाँ पर शुरुआत की 3 मैचेस के भी ऐड है। देखो ओपनिंग की बात की जाए तो अफाक शाह लास्ट मैच के ना 8 रन किए, इसके पहले 15 किए, इसके पहले 23 किए, ओवर्स वगैरह करवा रहे हैं लेकिन विकेट ठीक है। यहाँ पर पिछले कुछ मैचेस के अंदर इनको सिर्फ एक ही विकेट मिली है, ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि टॉप में बैटिंग भी करेगा, ओवर्स वगैरह करवाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं अली हसन की, अली हसन ने 44-43-25 जैसे कुछ स्कोर किए, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। इन्होंने पहले मैच के अंदर 135 रन की एक तगड़ी पारी खेली थी, तो एज अ प्लेयर ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट पिक है, इवन बहुत सारी पब्लिक इनके ऊपर कप्तान और वाइस कैप्टनशिप के लिए भरोसा करेगी। इसके अलावा से नईम शाह 56 किए थे इन्होंने रिसेंटली एक मैचेस के अंदर, बाकी यहाँ पर पिछले कुछ मैचेस के दोनों मैच के अंदर ओवर्स भी करवा रहे हैं लेकिन विकेट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, भरोसा कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा इनका। रहमानुल्लाह इंपॉर्टेंस रहेंगे यहाँ पर, शुरुआत की 2 मैच के अंदर 38 लास्ट मैच के अंदर सेकंड लास्ट मैच के अंदर 72 किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इसके अलावा से बात करते हैं तनवीर इकबाल की, जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाला था, राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ यहाँ पर राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, ठीक है, रेगुलर कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद रसूल ने पिछले 2-3 मैच के अंदर काफ़ी इंप्रेस किया, यहाँ पर 2 विकेट निकाला, लास्ट मैच के अंदर 54 रन किए, साथ में 2 विकेट्स भी निकाला, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, राइट हैंडेड बैटिंग करवा लेता है, ओवरऑल आंकड़े ठीक ठाक थे लेकिन पिछले कुछ मैचेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम लोग इनको लेके जा सकते हैं। इमरान संदल ने शुरुआत की मैचेस के अंदर ओपनिंग करवाया था, ये टीम के कप्तान है, देखो ओवर्स भी करवाया था इन्होंने शुरुआत की मैचेस के अंदर, ओवर्स भी करवाया था जहाँ पर विकेट नहीं मिला था, हालांकि पिछले कुछ मैचेस के अंदर इनको विकेट्स जरूर मिले, जहाँ पर एक बार इन्होंने एक विकेट यहाँ पर निकाला, एक बार 2 विकेट यहाँ पर निकाला, बैटिंग से इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, भरोसा कर सकते हैं वैसे भी, क्योंकि बैटिंग से कभी भी ऊपर आ सकता है। मैंने आपको बताया ना शुरुआत की मैचेस के अंदर इन्होंने ओपनिंग किया था, तो आई थिंक यहाँ पर कम से कम 3rd-4th नंबर पर तो बैटिंग के लिए आ सकता है। फखर नवाज ने लास्ट में कितने 22 किए, इसके पहले 2 बार यहाँ से विकेट निकाली, ओवरऑल आंकड़े मौजूद नहीं है इनके लेकिन परफॉर्मेंस के बेसिस पर, पिछले कुछ मैचेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम लोग इनको लेके जा सकते हैं। राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है। इजाज अहमद यहाँ पर 2 बार विकेट निकाली इन्होंने, एक बार 1 विकेट, एक बार 2 विकेट, बाकी इसके बाद एक बार ओवर्स नहीं करवाई, बाकी ओवर्स रेगुलर करवा रहे हैं, 1-2 ओवर्स की गेंदबाजी करवा रहे हैं, तो भरोसा कर सकते हैं पर इजाज अहमद के ऊपर। मोहम्मद अशरफ को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, विकेट कीपिंग सेक्शन से काफ़ी नीचे खेलते हैं। इसके अलावा से तुफैल खान की बात करते हैं, जो कि पिछली दोनों मैच के अंदर ओवर्स तो करवा रहे हैं लेकिन विकेट्स की बात की जाए तो विकेट्स यहाँ पर दोनों ही मैच के अंदर नहीं मिली इनको, ऑफ स्पिन गेंदबाज है। इसके अलावा ऐसे बात करते हैं बेंच की, तो बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करना रहेगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। 3 प्लेयर बताता हूँ जो कि अगर खेलते तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, एक है यहाँ से आमिर भट्टी जो कि खेलेगा तो टॉप में खेलेगा, इसके अलावा से आबिर हुसैन जो कि यहाँ पर 3rd-4th नंबर पर बैटिंग करते हैं,
एक यहाँ से आदिल आरिफ है और एक है यहाँ से मोहम्मद सिराज। ये चार प्लेयर अगर खेलते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन कप्तान और वाइस कैप्टनशिप के लिए भी इंपॉर्टेंट चॉइस रह सकते हैं आपके लिए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम पीआईसी की, पाक आई केयर की, जो कि 8 मैच के लिए 8 के 8 जीत के आ रही है। यहाँ पर मेंशन किए आंकड़े जो कि पिछली 6 मैच के हैं। आबिद महमूद और यहाँ पर मोहम्मद एहसान ने ओपनिंग करवाए। एहसान विकेट कीपिंग सेक्शन से वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इवन कप्तान वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। 80 इसके बाद 120 रन किए इन्होंने, इसके बाद 73-57 जबरदस्त फॉर्म में है, तो कप्तान वाइस कैप्टनशिप की बेस्ट चॉइस रहेगी। इसके अलावा से आबिद महमूद की बात की जाए, कंसिस्टेंट तो नहीं है लेकिन जब मूड में होते हैं तब यहाँ पर गजब का परफॉर्मेंस देते हैं। 25 रन के साथ 4 विकेट निकाली थी इन्होंने, इसके अलावा यहाँ पर 21 मैच के अंदर 21 रन के साथ 1 विकेट निकाली, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे दोनों के दोनों। इवन कप्तान वाइस कैप्टनशिप के लिए हमारे लिए एहसान बेस्ट पिक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मोहम्मद मोहतसिम की, जो कि लास्ट में क्या 47 रन के साथ 2 विकेट निकाली। बाकी इसके पहले इनका परफॉर्मेंस थोड़ा था ओके कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आगे टॉप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे कंफर्म नहीं है। हालांकि ये चीज़ हमें टॉस के बाद मालूम पड़ेगी कि कौन प्लेयर कौन से नंबर पर खेलने वाला है, या फिर बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंजेस वगैरह है या नहीं है, ये चीज़ हमको टॉस के बाद मालूम पड़ेगी आखिरी की 30 मिनट के अंदर। तो वो मैं आपको मतलब ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर में आपको दे दूंगा और वो दूंगा मैं आपको टेलीग्राम के अंदर, तो टेलीग्राम से जुड़िएगा। इसके लिए वैसे बात करते हैं उमेर अहमद की, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा यहाँ पर, कंसिस्टेंट फॉर्म में 40-39-36 एक विकेट यहाँ पर, ओवरऑल 15 मैच के अंदर 3 विकेट है, ठीक है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। इसके अलावा से बात करते हैं मोहम्मद अतीक की, मोहम्मद अतीक वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इवन कप्तान और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगा। रेगुलर विकेट टेकर गेंदबाज है, हर मैच के अंदर आपको 1-2 विकेट निकाल के देगा, प्लस यहाँ पर बैटिंग आएगी तो बैटिंग से भी अच्छा खासा एडवांटेज दे सकता है, लेकिन बैटिंग से एक्सेप्टेशन नहीं कर सकते हम लोग इनसे। हालांकि ये बॉलिंग से ये स्टार्टिंग में भी आएगा और आखिर में भी आएगा। इस टीम का सबसे भरोसेमंद प्लेयर है मोहम्मद अतीफ, तो हम लोग इनको कप्तान वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। इसके अलावा से बात करते हैं अली अहमद की, कंसिस्टेंट नहीं है, 2 बार विकेट निकाल चुका है, ओवरऑल 23 मैच के अंदर 15 विकेट है, कोई चॉइस ना मिले तो ट्राई करिएगा। बाकी हसन अली वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। इसके अलावा से बात करते हैं हमजा शेर, जो कि 12 मैच के अंदर 7 रन किए और यहाँ पर पहली मैच के अंदर ढेर, मतलब इनकी बैटिंग ही नहीं आई, समीउल्लाह की बैटिंग नहीं है, तो इन दोनों प्लेयर को आप लोग ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिएगा। बाकी खुर्रम शहजाद की बात करते हैं, जो कि 2 बार यहाँ पर विकेट निकाल चुके हैं, बाकी ओवर्स ये रेगुलर करवा सकते हैं, यहाँ पर 2 बार ओवर्स नहीं करवाए पिछले कुछ मैचेस के अंदर, बाकी रेगुलर इन्होंने ओवर्स करवाई। इसके अलावा से बात करते हैं जफर रजा की, जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाला, यहाँ पर 1 विकेट निकाला, 2 बार विकेट लेस रहे, यहाँ पर 1 विकेट निकाला, ओवरऑल कंसिस्टेंट नहीं लेकिन हर मैच के अंदर 1-2 ओवर्स की गेंदबाजी रेगुलर करवा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बात करते हैं बेंच की, तो बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं असद रब्बानी, वेरी इंपॉर्टेंट पिक, देखो यहाँ पर खेले और 2 बार यहाँ से बड़े परफॉर्मेंस दिए। इसके अलावा ऐसे बात करते हैं हम लोग आदिल शफाकत, अगर खेलते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है। रफीक थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहेंगे, ये सारे प्लेयर्स मैं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। इसके अलावा ऐसे बात करते हैं मोहम्मद बाबर, ये बंदा अगर खेलता है तो आप लोग इनको आँख बंद करके कप्तान वाइस कैप्टन कर सकते हैं। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी डेमो फैंटेसी टीम कौन से हो सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से 3 विकेट कीपर को लेंगे, मोहम्मद ईसान है, यहाँ पर रहमानुल्लाह है, इसके साथ यहाँ पर हम लोग आबिद महमूद को लेंगे। बाकी के अदर ऑप्शंस रिस्की है तो जीएल में ट्राई करोगे आप लोग इनको। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो बैटिंग सेक्शन से हमारी टीम के अंदर यहाँ पर अली हसन और इसके साथ यहाँ पर उमेर अहमद हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर इमरान संदल और इनके साथ यहाँ पर मोहम्मद मोहतसिम हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। दर चॉइस की बात करूँ तो यहाँ पर कोई खास बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, लेकिन नवाज कभी कभार यहाँ पर वॉल्स वगैरह करवा लेते हैं। बाकी बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर मोहम्मद अतीक है, इनके साथ यहाँ पर ए अहमद है, हसन अली है और यहाँ पर मोजम रसूल हमारी टीम के अंदर रहेंगी। बाकी देखो 2 प्लेयर हैं यहाँ पर, जफर रजा और खुर्रम शहजाद, तो चाहो तो यहाँ से इन दोनों में से किसी एक को आप लोग ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों कभी कभार यहाँ पर ओवर्स भी करवा लेते हैं, यहाँ से कई बार इन्होंने विकेट्स भी निकाली हुई है, देखो कई बार यहाँ पर ये आपको ड्रीम टीम में भी दिखेंगे। तो यहाँ पर चाहो तो यहाँ से जफर रजा को ले सकते हैं या फिर खुर्रम शहजाद को, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं, दोनों ही इनकन्सिस्टेंट है। कप्तान हमारे रहेंगे यहाँ से एहसान रहेंगे, वाइस कैप्टन यहाँ पर मैंने अतीक को किया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ से कुछ रिस्क आप लोग ले सकते हैं और सारे के सारे रिस्क मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखोगे तो बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। बाकी मेरी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, लाइनअप के बाद कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, फाइनल जो भी टीम रहेगी वो टेलीग्राम में दूंगा मैं आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है,
शेयर करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।